हेलो सेमेस्टर सिक्स, आज हम लोग देखेंगे पेपर 17 में यूनिट 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत हमारा आएगा इम्पॉर्टेंस एंड टेक्निक्स, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिइंफोर्समेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स टू बी कंट्रोल्ड इन मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल, टूल्स एंड टेक्निक्स। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है पहले वो हम लोग देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन बिजनेस। इन ऑर्डर टू स्टार्टअप और इवन रन अ सक्सेसफुल बिजनेस, एवरीवन मस्ट नीड एक्सेलेंट नॉलेज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये तो हमको पता है कि धन की आवश्यकता हमारे जीवन के सभी कार्यों में होती है। कुछ भी जो हमारी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए मनी इज़ द मेन सोर्स फॉर दिस। तो अगर हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी स्टार्टअप है या कोई भी कार्य के लिए, सबसे पहले प्रमुखता से धन की आवश्यकता होती है। किसी कार्य की इच्छा करना, उसके लिए प्रेरणा लेना, उसके लिए प्लानिंग करना, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना मैन पावर या आपकी स्ट्रेंथ या आपके अदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उसी में एक मेन चीज़ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस। तो फाइनेंस को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना होगा हमें पहले कि किसी भी कार्य में इसको कैसे मैनेज करना है। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल अंडरटेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अप्लाइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वाई ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन फिस्कल मैनेजमेंट। फिस्कल मैनेजमेंट यानी इट मीन्स अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू फाइनेंशियल प्रोसेस रिसोर्सेज ऑफ द इंटरप्राइज। मस्ट बी एबल टू प्लान द वर्क यूनिट्स बजट एंड मैनेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्रू रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज प्रैक्टिसेस एंड डिसीजन इन ऑर्डर टू अचीव यूनिट ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो फिस्कल मैनेजमेंट का एक पार्ट, ये एक मेन रोल प्ले करता है। अब इन सब के साथ हम देखेंगे जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो हमने समझा क्या है। इन दिस वे द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ इस तरह। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बिजनेस में, स्टार्टअप में, या कोई भी हम अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई हमारी यूनिट है जहां हम उसके थ्रू अर्निंग कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या एक रोल प्ले करता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों उसकी इतनी ज़्यादा हम लोग को ध्यान देने का या मैनेज करने का इसको ज़रूरत है। इन दिस वे द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ नंबर वन, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस इन फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जो भी संगठन है, जो भी संस्था है, जो भी यूनिट है, जो भी वर्किंग प्लेस, वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को वो एक ऑर्गेनाइजेशन को उसको प्लान करने में एक मदद करता है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसको ध्यान देना, उसको पूरा चार्ट बनाना, कितना पैसा हमको लगेगा, कितना क्या चीज़ पे खर्च होगा आदि सभी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द प्लानिंग एंड एक्विजिशन ऑफ फंड्स। एक्विजिशन ऑफ फंड्स यानी अर्जेंट कोई चीज़ हमें कहीं से अर्जित करना, कहीं से प्राप्त करना, जो ये ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करता है इन द प्लानिंग एंड एक्विजिशन ऑफ फंड्स, कहीं से धन को प्राप्त करना थ्रू कोई बैंक या कहीं से हम अगर लोन लेते हैं या किसी कंपनी के थ्रू कहीं पे इसको हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो फंड को प्राप्त करने में ये प्लान बना करके करने में हमको ज़्यादा ये हेल्प करता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस इन इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग द फंड्स रिसीव्ड और एक्वायर्ड।
इसके थ्रू क्या होता है, हम कहीं से हमको अगर धन हमने प्राप्त किया है, कहीं से कोई रुपए में लिए हैं, तो उनको बराबर किन चीज़ों कितने कितनी मात्रा कहाँ पे हमें खर्च करना है, उनको बांटने में, उनको समझने में कि हमारा इतना रुपया स्टार्टिंग में लगेगा, आफ्टर जो हम कच्चा माल लेंगे उसमें इतना लगेगा, या जो प्रोडक्शन होगा उसमें इतना लगेगा। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू बहुत प्रॉपरली और बहुत इफ़िशेंटली और बहुत इफ़ेक्टिवली वर्कआउट करता है। और इसमें हमें साथ ही प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकते, ये नहीं कि हमने रुपया लिया, मान लीजिए 100 रुपये लिए, अब 100 रुपये से अगर आपको पांच कुछ, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, कि अगर हमें कुछ सब्जियां लानी है और हमारे पास 100 रुपये हैं, तो हम देखेंगे कि पहले हमें क्या चीज़ कितनी मात्रा में ख़रीदनी है और क्या चीज़ के क्या भाव हैं, तो उसके थ्रू हम लोग उन चीज़ों को डिवाइड करते कि इतने का हम इतना आलू लेना है, मान लो तो 2 किलो आलू हमारे आ गए अगर 20 रुपये के, तो फिर हमारे पास 80 रुपीज़ बचा, तो 80 रुपीज़ को हम किस तरह खर्च करना है, हमें गाजर लेनी है, धनिया लेनी, जस्ट आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जांपल डे बाय डे कि हम अपने उससे इसको समझ सकते हैं। तो जस्ट एज इन ए बिजनेस जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा थ्रू टू मतलब स्टार्टिंग टू टिल एंड तक आपको कितना आपका रुपया लग जाएगा और किस तरह से आपको कहाँ कहाँ बांटना है, जो आपका स्टाफ है वहाँ, अगर बिजली खर्च हो रही है वहाँ, जो आपका कच्चा माल है वहाँ, उत्पादन कर रहे हैं वहाँ, कुछ अमाउंट हमें उठा के रखना होता है, जो कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो सडन आ जाता है, सडन कोई मशीन ख़राब हो गई तो उसको ठीक करने में आपका रुपया लग सकता है, कोई स्टाफ कोई एम्प्लॉई की तबीयत ठीक नहीं है तो उसके बदले किसी को आप हायर कर रहे हो, वहाँ देना पड़ सकता है। तो बहुत सी चीज़ों को इसमें शामिल करके बराबर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू हम इसको एक अकॉर्डिंगली प्रॉपरली इसको वर्क कर सकते, प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट था हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस इन इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग द फंड्स रिसीव्ड और एक्वायर्ड। नाउ फोर्थ पॉइंट इज असिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन मेकिंग क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजन। क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजन के लिए असिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसके थ्रू हम कुछ भी अचानक जो घटना हो सकती है या फिर कोई क्राइसिस हो सकते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए, उससे पहले ही हम उसके लिए उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, रह सकते हैं और उसके थ्रू अपने काम को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है उसमें भी ये इम्प्रूव करने में हेल्प करता है कि हम कितने में कितना खर्च करें, कितना बचा सकते हैं, इस अगर हमने इस चीज़ पे इतना खर्च किया तो उसका रिटर्न हमें किस तरह मिलेगा। तो ये इस चीज़ में है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था मतलब जो हमने यूनिट डाली है या जो हमारा स्टार्टअप है, उसमें हम कैसे अच्छे से अर्न कर सकते हैं, कैसे उसको प्रॉफिट उसका बढ़ा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज increases the overall value of the firms or organizations, increases the overall value of the firms। जैसे ये हम लोग कई बार पढ़ते हैं ना कि हमने 100 रुपये में, ये जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ये स्मॉल अमाउंट, कि अगर हमने इतने रुपए में ये यूनिट लगाई उसका टर्नओवर अब इतना हो गया। कई बार आप न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, अपने कुछ जो न्यूज़ अपडेट होती रहती हैं आपके मोबाइल्स में देखते होंगे, किस कंपनी का इतने में उन्होंने शुरू किया, ऐसा स्टार्टअप लगाया। कई बार जो कुछ बहुत प्रेरणा वाली कहानी हम लोग पढ़ते हैं कि आजकल के नए नए जो बच्चे हैं, जो नए नए पढ़ कर के निकले हैं, उन्होंने ऐसा स्टार्टअप किया, ये माइंड में आइडिया था, इन्होंने कंपनी इतने 1000 रुपये में स्टार्ट की और आज इसका टर्नओवर इतने लाखों में, या इस तरह का। तो इस तरह से एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके पूरा प्रॉपरली वो वर्क फ्रॉम करके वो उसका टर्नओवर अपना काफ़ी हद तक काफ़ी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उसका प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो इंक्रीजेस द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म्स एंड और ऑर्गेनाइजेशन, उसके फर्म और ऑर्गेनाइजेशन की जो एक प्रॉपर वैल्यू है उसको बढ़ाना। नाउ नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मिलती है इससे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू वो लोग प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इनक्रेजेस एम्प्लॉयज टू सेव मनी विच हेल्प्स देम इन पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी इंक्रेज करते हैं कि आप किस तरह से सेव कर सकते हो मनी और हम किन अपने हालातों में इनसे बच सकते हैं। तो कई तरह की उनको उपाय बताए जाते हैं, कई तरह से उनको स्कीम्स वगैरह की भी जानकारी इसमें मिलती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू।
This is the importance of financial management.